तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब पबजी में सीज़न 9 का रॉयल पास आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इतने कम टाइम में, अगर कम से कम मैं बताऊं तो इन्होंने कम से कम 1 बिलियन की कमाई करी है। और ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम मैं बता रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा उन्होंने करी है। लेकिन बदले में हमको क्या मिला है? एक नया सीज़न जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैकर्स और चीटर हैं, साथ में PMIT का जो ड्रामा है, और बहुत बहुत सारा हेट जो हम एक दूसरे के लिए फैला रहे हैं। ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में फुल लेक्चर होगा, तो वीडियो छोड़ के जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, लेकिन अगर वीडियो एंड तक देखते हो तो हो सकता है थोड़े से मैच्योर डिसीजन ले सको और अपना टाइम बचा सको। अब इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा 1xBet के बारे में। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन बेटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ इसका आपको एप्लीकेशन भी मिल जाता है एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। उसके बाद आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कंट्री, करेंसी और एक प्रोमो कोड डालना है। अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड कर रहे हो तो आपको डालना है प्रोमो कोड गुरुजी। अब इससे फायदा यह होगा कि जब भी आप इसमें कोई पैसा ऐड करोगे वो डबल हो जाएगा मेरे भाई। और पैसे ऐड करने के लिए इसमें तो ढेर सारे ऑप्शन है। पेपल मिल जाएगा, फोनपे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, UPI मिल जाएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे इसमें पैसे ऐड कर सकते हो। और विड्रॉल करने के लिए भी सेम काम है। अब इस एप्लीकेशन में आपको करना यह है कि आप इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन में आओगे तो आपको ढेर सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल वगैरह वगैरह। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ, वहां आपको चैंपियनशिप मिल जाएगी और उन चैंपियनशिप में चल रहे मैच दिखाई देंगे। आप इन मैचेस पर बैटिंग लगा सकते हो और अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यहां पर आपको और भी गेम्स मिल जाते हैं, अगर आप उन गेम्स को खेलते हो तो आप यहां से भी पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बैटिंग वगैरह में तो आप इस वेबसाइट या फिर इस एप्लीकेशन को एक ट्राई दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिखी और ना कभी लिखी है ना कभी लिखूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सोच सोच के बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं भूल जाऊँ और कुछ गलत बोल जाऊँ, और अगर गलत बोलता हूँ तो यार कमेंट में उसको सही कर देना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कॉड या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर COD से। तो कमेंट पढ़ के अंदाज़ा लग जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, मतलब आमतौर पे हर बंदा यही सोच रहा है कि जैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी आएगा, मार्केट में एक कॉम्पिटिशन आएगा, प्लेयर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो पबजी को लगेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो वो अपने गेम्स पे ध्यान देंगे, हैकर वगैरह को बैन करेंगे। भाई अगर सच में आप ये सोच रहे हो ना तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही जननी के सबूत हैं भाई। तो इनके लक्षण और इनके संस्कार एक ही टाइप के होने वाले हैं। कुल मिला के अगर आसान लैंग्वेज में बोलूं तो भाई देखो, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों के पीछे ही जो दिमाग है, मतलब मोबाइल पे लाने का, वो है टेंसेंट का। सारा पैसा टेंसेंट ने लगाया है। लाइट स्पीड और टीमी स्टूडियोज तो बस एक जरिया है इन दोनों गेम्स को डेवलप करने का, लेकिन इसके पीछे जिसने पैसा लगाया है और जो पैसा कमा रहा है वो टेंसेंट है, ठीक। तो भाई जिसके मुंह में ऑलरेडी खून लग चुका है, जो ये जानता है कि उसने पबजी से कितना कमाया है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी को ऐसे ही जाने देगा? नहीं भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी वही हरकतें होंगी जो पबजी में हुई थी। शुरुआती 1-2 महीना रहेगा अपने ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म में कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन उसके बाद इसका भी एमुलेटर वर्जन आएगा, इसमें भी नाच गाना शुरू होगा, इसमें भी उल्टी सीधी फाइल्स ऐड करी जाएंगी, जिसकी वजह से इस गेम का भी जो ओरिजिनल एसेंस है वो कहीं गायब हो जाएगा, और फिर इसमें आना शुरू होंगे चीटर्स। अब फिलहाल प्रे तो मैं यही करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर मैं गलत हूँ, लेकिन यार फ्यूचर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में जो पबजी के हालात है ना भाई, अब डेवलपर्स के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। वो किसी को बैन नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो चीटर्स हैं ना उनका कॉन्फिडेंस देख के समझ सकते हो। उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो उनको पता है जैसे कि उनको कोई बैन कर ही नहीं सकता है, ठीक। वो एक लीगल काम कर रहे हो, उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस है, तो आप समझ सकते हो कि हाथ से निकल चुका है पबजी डेवलपर्स के, अब वो इसमें कुछ कर नहीं सकते। और ये चीज़ साफ साफ ये देख के पता चलता है कि ये उन चीटर्स जो कि लीडर बोर्ड में बैठे पूरी दुनिया को दिख रहे हैं, उनको बैन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन PMIT वगैरह में अगर कोई बाइकआउट करता है किसी रीज़न की वजह से, तो भाई उनको सीधी सीधी धमकी मिल जाती है कि तुम्हें 1 साल का बैन लग जाएगा और तुम खेलोगे नहीं। वाह भाई वाह, बहुत सही। मतलब जहाँ बस चलाना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा है, तो दूसरों को हड़की में ले रहे हो। अब और भी वहाँ रैंकिंग्स वगैरह की पंगे चल रहे हैं, मेरे को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम ई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन आप सब भी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि सही नहीं हो रहा है। हैकर्स का ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो एक नॉर्मल प्लेयर को परेशान कर रहे हैं। ये सब तभी होता है ना जब चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हो और आप फालतू की दबंगई दिखाना चाह रहे हो।
अब इसी चीज़ से लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड और लोगों की बात में आके कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनको फ़ायदा तो कुछ नहीं होता लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाता है। और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मेन वीडियो का टॉपिक भी यही है, लेकिन माहौल थोड़ा बनाना पड़ता है तो मेरे को और भी चीज़ें आपको बतानी पड़ी। तो देखो भाई, अब मेरी बातें ज़रा दिमाग खोल के सुनना और समझना, वरना किसी की बातों में आके कुछ आप ऐसे स्टेप लोगे जो हम सारे प्लेयर्स को हार्म करेंगे। तो देखो भाई, आजकल हो क्या रहा है, आजकल होता ये है कि हैकर्स के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर किसी को एक्सपोज कर दो और वीडियो के एंड में इमोशनल कर देने वाला या फिर एड्रेनलिन हाई कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो, साथ में जोश दिलाने वाली स्पीच दे दो कि हमारा गेम है, इसके लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, हमको अपनी कम्युनिटी, सो कॉल्ड कम्युनिटी को बचाना पड़ेगा, इस गेम के लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, इस तरह के फ्रेजेस यूज करके आपकी एड्रेनलिन या फिर आपके जोश को खूब ज्यादा हाई कर देते हैं और फिर उनके चक्कर में आके उनकी बात सुन के आप ये सोचते हो यार ये बंदा तो हमारे लिए आवाज उठा रहा है, हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो आप काम करते हो अनजाने में वो है कि इनकी स्पीच सुन के आप बहुत ही ज्यादा जोश में भर जाते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अब देखो, मैं खुद हैकर्स पे वीडियो डाल रहा हूँ और मेरे को खुद इससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं कहीं ट्रिगर करने की आपको कोशिश नहीं करता हूँ। मैं ऐसा आपसे नहीं बोलता हूँ कि जाओ प्ले स्टोर पे उनकी रेटिंग्स गिराओ, कमेंट्स में गालियाँ लिखो, किसी भी टूर्नामेंट की अगर लाइव चल रही है वहाँ जाके गालियाँ स्पैम करो ताकि लोगों को आपका गुस्सा पता चल सके और पबजी ये देख के डर जाए कि अरे बाप रे बाप प्लेयर कितने गुस्से में और वो हैकर्स को बैन कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। अगर आप सोच रहे हो ना किस तरीके से आप पबजी या फिर टेंसेंट जो इतनी बड़ी कंपनी उसको डरा ले जाओगे तो बहुत गलत सोच रहे हो। हाँ, पबजी पूरी तरीके से गलत है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस गेम में, लेकिन ये भी एक सही तरीका नहीं है मेरे भाई। इससे सिर्फ एक चीज़ होगी कि पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो जाओगे कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो कितने ज़्यादा टॉक्सिक और इलिटरेट हैं, जैसा कि क्लैश ऑफ क्लैंस के साथ हुआ था। क्लैश ऑफ क्लैंस ने अपने गोल्डन एरा में इंडिया को पूरी तरीके से इग्नोर करा था क्योंकि वर्ड चैट में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी कि वहाँ पर इंडियन प्लेयर से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, और अब जब उनके लाले लग गए हैं तब उनको इंडिया की याद आ रही है, और वही चीज़ पबजी के साथ हो रहा है। पबजी अब भी इंडिया पे ध्यान क्यों दे रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जहाँ तक अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ इंडिया से हैं, और हो ना हो इंडिया से सबसे ज़्यादा उनकी अर्निंग भी होती है, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से वो इतना भाव देते हैं इंडिया को। उनकी नज़रें आपके पैसों पे है, आपके टैलेंट पे नहीं। तो अगर आप जाके हेट फैलाते हो, गाली वगैरह लिखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को वहाँ पर इलिटरेट प्रूव करोगे। ये आवाज़ उठाने का कोई सही तरीका नहीं है। मेरे को ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, यहाँ देखिए मेरे फ्रेंड भी मैसेज कर रहे हैं कि अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे बोलो कि जाके प्ले स्टोर पर रेटिंग कराएं, ऐप स्टोर पर रेटिंग कराएं। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। कुछ करना ही है तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो कोई एक अच्छा सा हैशटैग ले लो, उसे ट्विटर पे ट्रेंड कराने की कोशिश करो, या फिर कोई पिटीशन बना लो, उस पे साइन करो सब लोग, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इन सब से भी, मतलब अगर आप पीसफुली भी कुछ करते हो तो हैकर्स बैन हो जाएंगे, गेम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, तो भाई सच आज समझ लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हाथ से निकल चुका है पबजी डेवलपर्स के, ठीक, अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बस कोशिश यही है कि एक बैन वेव चले, ज़्यादा से ज़्यादा हैकर्स बैन हो जाएं, ताकि कम से कम आखिरी बार हम लोग पुश तो कर सकें पबजी में, मतलब दोबारा तो हिम्मत नहीं है पुश करने की, लेकिन कम से कम एक बार तो पुश कर लें। तो बस यार, इस वीडियो में आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि गाली गलौज करने से, लाइव स्ट्रीम में गालियां स्पैम करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ दुनिया आपको इलिटरेट समझेगी, जो मैं नहीं चाहता आप हो। हम सब पढ़े लिखे हैं यार, सब के सब, आप जितने हो सब पढ़े लिखे हो, सब अच्छे से सोचते हो, सब समझते हो। कुछ लोगों के बातों मत आओ यार, कि मतलब अगर वो कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, जाके स्पैम करो, उससे पबजी डर जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ भी होने वाला नहीं। और अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि मैं पबजी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कीबोर्ड वॉरियर आएंगे और कमेंट करेंगे, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उनसे होता कुछ नहीं है, उनको सिर्फ बोलना और लिखना आता है, ठीक। तो आप करो, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन एक सही तरीके से, कोई एक हैशटैग ले लो जिसको ट्विटर पे स्पैम करो, लाइव स्ट्रीमिंग में स्पैम करो, या फिर जो है आप कोई पिटीशन वगैरह फाइल करो। वैसे ये सब काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक सही तरीका है। गाली स्पैम करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होगी, और इस चीज़ से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और मेरी ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जिनका थोड़ा सा भी ओपन माइंड है, जो ढंग से सोचते हैं, जो कि समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। बाकी आपको जो करना है आप करो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ। और हाँ, एक और बात, मेरे को कमेंट में कुछ अच्छे गेम सजेस्ट करो यार, क्योंकि प्ले स्टोर पर कुछ नए गेम आते नहीं है, पुराने गेम मैं ज़्यादातर फिनिश कर चुका हूँ, लेकिन
कोई एक गेम ऐसा बताओ जिसको आप सब लोग देखना चाहते हो। तो मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करने का, क्योंकि ब्रदर्स वाली सीरीज डाले हुए तो बहुत टाइम हो गया, वो सीरीज भी इनकम्प्लीट थी क्योंकि एक ही दिन में आप सब लोग ने स्टोरी देख डाली थी। लेकिन अगर आप लोग के दिमाग में कोई नया गेम है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ यार, मेरा भी कुछ नया ट्राई करने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पबजी के अगेंस्ट आपको जितना भी प्रोटेस्ट करना है करो, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल वेस्ट मत करो, समझे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जो करना है आपको करो, लेकिन सोच समझ के करो कि कम से कम हमारी इंडिया की तो बदनामी कम से कम ना हो।